हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी विंटर स्पेशल कि आप विंटर में जो है एलोवेरा से आप अपने स्किन की केयर जो है कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, ये मैंने ली है, ये देखिए, ये मेरे पास है एलोवेरा जेल। ये मैंने जो है जीवा की ली है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने ली है हल्दी। तो गाइज, वैसे तो हम डेली रूटीन में जो है जब भी एलोवेरा का यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्ट अपने फेस पे नेक पे जो है ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं। बट अगर आप जो है इसको कभी कभार वीक में एक या दो बार आप इसको जो है एलोवेरा जेल के साथ अगर आप हल्दी का पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके अगर आप लगाएंगे तो आपके फेस पे नेक पे जो है एक डिफरेंट वे से जो है आपको जो है देखने को मिलेगा अपनी स्किन केयर में। तो जो है आज मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज, डेली रूटीन में हम जो एलोवेरा, तो गाइज सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने लिया है बाउल और ये मेरे पास है एलोवेरा जेल और ये मेरे पास है टर्मरिक पाउडर। तो गाइज, सबसे पहले आप किसी भी बर्तन का जब यूज कर रहे हैं पैक बनाने के लिए, क्लिंजिंग के लिए, तो आपका जो है वो बर्तन अच्छे से जो है बॉइल्ड होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी जो है जम्स ना हो। सेकेंडली, मैं आपको आज बताऊंगी कि गाइज अगर आप जो है एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं ये भी ठीक है, बट अगर आप डायरेक्ट, अगर आपके घर प्लांट है तो आप एलोवेरा का जो है प्लांट लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट प्लांट से तोड़कर उसको वॉश करके अच्छे से 2 से 3 मिनट उसको ठंडे पानी में डालें, उसको कट आउट करके जो है आप उसमें जो है डायरेक्ट हल्दी लगाकर भी अपने फेस पर जो अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से जो है, या कंटेनर है, एलोवेरा जेल है या ट्यूब है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डायरेक्ट प्लांट से तोड़ा हुआ एलोवेरा जो है काफी जो है आपकी स्किन को जो है बेनिफिट देगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट से तोड़ा हुआ जो एलोवेरा होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता। बट अभी जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैंने जो है ये एलोवेरा जेल ली है। तो ये देखिए गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए, ये मैंने एलोवेरा जेल ले ली है 1 टीस्पून। ये देखिए, ये मैंने जो है एलोवेरा जेल ले ली है इस कंटेनर में। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एलोवेरा जेल जो है कितने एरिया में लगानी है। अगर आपको अपने फेस और नेक पे लगानी है तो ये आपके लिए जो है इनफ है। आप जो है ये देखिए 1 टीस्पून आप ये ले सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो है लगाकर आज मेरी फिनिश हो गई है। ये मैंने इसमें डाला है एलोवेरा जेल। अब गाइज, इसमें जो है अब आपको हल्दी कितनी क्वांटिटी में डालनी है। हल्दी इसमें जो है आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है। हल्दी इसमें आपको जो है आप स्पून से भी डाल सकते हैं, नहीं तो 1 पिंच। ये देखिए गाइज, ओनली 1 पिंच जो है आप फेस और नेक के लिए जो है डालेंगे इसमें। 1 पिंच से अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि बिल्कुल कम है तो आप हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, 2 पिंच से ज्यादा ना डालें। ये देखिए, ये हमने जो है इसमें डाल दी है 2 पिंच, मैंने जो इसमें डाल दी है, ये आपके फेस और नेक के लिए इनफ है। और अब मैं जो है इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और गाइज, आप ये देखिए, इन दोनों को मिक्स करके जब हम अपने फेस पर या अपने बॉडी पार्ट पर लगाएंगे तो एक अच्छा सा हमारे फेस पर जो है ग्लो आ जाएगा। और इसमें जो है आपको किसी और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है। ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स में जो है आप अपने फेस पर जो है एक नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है और आपने जो है ब्लीच फेशियल कुछ नहीं किया है तो आप ये जो है एक बार ट्राई करके जरूर देखें। और ये लगाने से पहले गाइज, आपकी जो है स्किन जो है क्लीन होनी चाहिए। आपने जो है अपनी स्किन को जब क्लीन कर रखा हो देन आप उसको जो है एक जेल फॉर्म में या एक पैक फॉर्म में जो है लगा सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये मेरे पास, ये देखिए कितना सुंदर सा एक जो है जेल बन गई है टर्मरिक पाउडर डालने के बाद। और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ एलोवेरा जेल और टर्मरिक पाउडर। अब ये देखिए गाइज, अब मैं इसको जो है आपको जो है अपने स्किन पर जो है यूज करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने हल्का सा, आप देख सकते हैं, मैंने हल्का सा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए मैंने हल्का सा जो है एलोवेरा जेल लिया और इसको हल्के हाथों से जो है मैंने एज इट इज आपको जो है अपने फेस नेक पर जो है यूज करना है। और आप इसको जो है अपने हाथों पर भी, अपने पैरों पर भी जो है लगा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो एलोवेरा जेल का मैं आपको बताती हूँ। एलोवेरा जेल से जो है हमारी स्किन जो है डीप क्लींजिंग होती है एलोवेरा जेल से। सेकेंडली, हमारी स्किन पर एक लाइट ग्लो आ जाता है, टाइटनिंग भी होती है, ब्राइटनिंग भी होती है। और टर्मरिक के तो कहने ही क्या, टर्मरिक पाउडर तो गाइस हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी है। जिसको भी एक्ने प्रॉब्लम है वो एलोवेरा जेल से भी ठीक होगा और टर्मरिक पाउडर से भी। टर्मरिक पाउडर जो है वो आपसे भी जानते हैं कि ये जो है एंटीबैक्टीरियल होता है।
तो इसे जो है हमारा कहीं भी कोई सनबर्न है तो दोनों ही चीजें, टर्मरिक पाउडर भी और एलोवेरा जेल भी, दोनों ही जो है हमारे स्किन के लिए काफी अच्छे हैं। कहीं पर भी आपको कट का निशान है वो जा नहीं रहा, सन मार्क है, कोई भी एक्ने है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, और टर्मरिक से जो है आपका जो स्किन टोन भी जो है फेयर हो जाता है, एक नेचुरल ग्लो जो आपके फेस पर आएगा। ये देखिए गाइज, आपको जो है इसको 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से, ये मैंने आपको जो अपने हाथ पर लगाकर दिखाया है, पर जब आप इसको अपने फेस पर लगाएं तो हल्के हाथों से अपने फेस पर अपोजिट अवर्ड साइड में जो आपको इसको लगाना है, उसके लगाने के बाद जो गाइज आप कम से कम इसको 25 to 30 मिनट्स आपको अपने फेस पर छोड़ना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है ठंडे पानी से आपको जो है अपना फेस जो है धोना है, और फिर उसके बाद आपको जो है मॉइस्चराइजर लगा लेना है, और फिर आप देखिए कि आपका फेस जो है पहले के मुकाबले में जो है कितना स्मूथ हो गया है और एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पर आ गया है। तो ये हल्दी डालकर आप जो है वीक में 1 या 2 बार जो है इसको यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये लगाने के बाद आपको जो है 25 to 30 मिनट आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, देन आपको जो है उसको ठंडे पानी से धोकर और फिर आपको जो है हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है। तो गाइज, आप ये वीक में जो है 1 से 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।